कोलकाता में देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। पश्चिम बंगाल में 6 जगहों पर ईडी की टीम रेड कर रही है, छापेमारी चल रही है। और देखिए 7 करोड़ से ज्यादा के कैश की बरामदगी की खबर, कारोबारी निसार खान के घर पर छापेमारी ये बताई जा रही है ईडी की टीम की चल रही है। तो 7 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है पश्चिम बंगाल में 6 अलग अलग जगहों पर ईडी की रेड की खबर। और देखिए आप इन नोटों के पहाड़ पर जरा नजर दौड़ाइए, 7 करोड़ से ज्यादा का ये कैश है जिसकी बरामदगी हुई है, जो ईडी के हाथ लगा है। कारोबारी निसार खान बताया जा रहा है जिसके घर ये छापेमारी की गई है। 6 अलग अलग जगह बताई जा रही है जहां पर ये ईडी की रेड लगातार जारी है। ईडी का शिकंजा कसता हुआ, और बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं ईडी की लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जुड़ी अलग अलग जगहों से छापेमारी ईडी की टीम कर रही है। और इस बीच खबर यह है कि कोलकाता में कारोबारी निसार खान के घर पर छापेमारी ईडी की टीम कर रही है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और निसार खान से जुड़े जो करीबी हैं उनके यहां भी कार्रवाई की खबर सूत्रों से सामने आ रही है कि उनके वहां भी छापेमारी होगी। और अभी तक निसार खान के आवास से देखिए 7 करोड़ से ज्यादा के कैश की बरामद हुई है। और ये जो 6 अलग अलग जगह है ये निसार खान से ही संबंधित जगह है जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। कोलकाता में ईडी की छापेमारी, बड़ी खबर, 6 अलग अलग जगहों पर रेड, 7 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। और क्या कुछ ईडी के हाथ लगा, अभी इस बाबत और जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ये कारोबारी निसार खान बताया जा रहा है जिसके घर छापेमारी में 7 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। मोबाइल गेमिंग ऐप फ्रॉड केस मामला है ये, जिस मामले में छापेमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला मोबाइल गेमिंग ऐप से जुड़ा ये फ्रॉड केस है। दरअसल मोबाइल गेमिंग ऐप फ्रॉड केस में ये छापेमारी हो रही है कारोबारी निसार खान के यहां, और 6 अलग अलग ठिकाने बताए जा रहे हैं जिसका लिंक निसार खान से साफ तौर पर सामने आ रहा है। 7 करोड़ से ज्यादा का कैश अभी तक बरामद किया है ईडी की टीम ने। क्या कुछ गैजेट्स की भी बरामदगी हुई है, क्या कोई डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज भी ईडी की टीम के हाथ लगे हैं, अभी और जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सूत्र में ये बता रहे हैं कि निसार खान से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके करीबी हैं, उनकी उनसे जुड़ी जगहों पर भी छापेमारी ईडी की टीम कर सकती है। तो मोबाइल गेमिंग ऐप फ्रॉड केस जिसमें छापेमारी अलग अलग जगहों पर ईडी की टीम कर रही है, कारोबारी निसार खान के घर छापेमारी में 7 करोड़ से ज्यादा के कैश की बरामदगी हुई है। 6 अलग अलग जगहों पर ईडी पश्चिम बंगाल में कार्रवाई कर रही है। तो लगातार ये छापेमारी जारी है काफी लंबे समय से कारोबारी के आवास पर। अभी छापेमारी में देखिए 7 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलकाता में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पश्चिम बंगाल में 6 अलग अलग जगहों पर ईडी की रेड की खबर, 7 करोड़ से ज्यादा के कैश की अभी तक बरामदगी हो चुकी है। कारोबारी निसार खान के आवास से यह 7 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही 3 जगह बताई जा रही हैं जहां पर मोबाइल गेमिंग ऐप फ्रॉड केस में रेड ईडी की टीम कर रही है। कई ऐसे इनपुट्स थे जो एजेंसी, जांच एजेंसी के हाथ में लगे थे जिसके आधार पर ये कार्रवाई, ये छापेमारी ईडी की जारी है। मोबाइल गेमिंग ऐप फ्रॉड केस मामला है जिसमें छापेमारी ईडी की टीम आगे बढ़ा रही है, और अभी तक 7 करोड़ से ज्यादा का कैश इस छापेमारी में बरामद हुआ है।